हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। बड़ों को दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और हमें भी आप लोग सपोर्ट और प्यार दीजिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पटियाला सलवार की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है चौड़ाई की तरफ से। तो कपड़े को डबल में करने के बाद कमर के गोलाई के हिसाब से बेल्ट का निशान लगाना है। तो मैं 25 इंच पर निशान लगा रही हूँ और बेल्ट में 3 इंच प्लस कर लेना है कमर के हिसाब से, माने जितना भी आपका कमर है उसमें 3 इंच प्लस कर लेना है। इसके बाद डबल में निशान लगाना है और चौड़ाई की तरफ से मैं 10 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ से मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि 8 इंच पर हमारी बेल्ट तैयार होगी। इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1.5 इंच नेफा के फोल्डिंग में जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। इसके बाद मैं इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेती हूँ। अगर इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग का मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बीच से आपको खोल लेना है। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है और फ्रंट पार्ट के लिए भी और बैक पार्ट के लिए भी। तो इस तरह से बेल्ट को मैं साइड में रख देती हूँ और यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेती हूँ। अब आपको देखिए किस तरह से आपको फोल्ड करना है। इस तरह से चौड़ाई की तरफ से फोल्ड एक बार कर लेना है और एक बार फोल्ड कर लेना है लंबाई की तरफ से। तो इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है और 4 लेयर में कपड़े को बिछाने के बाद अच्छे से अब लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए 8 इंच माइनस कर लेना है। देखिए बेल्ट को इस तरह से रखना है और 2 इंच माइनस करके बेल्ट के रख करके देखिए अब पूरी लंबाई का निशान लगाना है और 1.5 इंच ले लेना है मोहरी के लिए और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से चढ़ा करके बेल्ट को रखना है कपड़े के ऊपर। मैं जिस तरह से रखें उसी तरह से रखें, पूरी लंबाई का मार्क ले लें 1.5 इंच प्लस करके मोहरी के लिए और कपड़े को सीधा कर लें इस तरह से। इसके बाद मोहरी के गोलाई का निशान लगाना है। तो मेरा मोहरी है 6 इंच, मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ 2 इंच सिलाई मार्जिन का प्लस करके। इसके बाद देखिए अब यहाँ से आपको पूरी लंबाई में आपको आधा कर लेना है। मान लीजिए लंबाई है 36 इंच, तो फिर आपको 18 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है और इस तरह से तिरछा निशान लगा लेना है और जो ये कपड़ा बचेगा ये कपड़ा यहाँ पर फिर से जॉइंट होगा। और तो देखिए इस तरह से हमारी निशान लग चुकी है। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। देखिए बहुत आसान है कटिंग करना पटियाला सलवार का। और ये जॉइंट है उसे खोल लेना है और देखिए अब यहाँ से आपको ये वाली जो बचा हुआ कपड़ा है उसे यहाँ से जॉइंट लगाना है। तो देखिए आपको इस तरह से जॉइंट लगाना है और इस तरह से सीधा कर लेना है और आपको आसन के हिसाब से कटिंग करना होता है। तो इसे भी कटिंग कर लेना है। इसकी कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से आपको निशान लगाना है और देखिए आपको जितना भी आसन रखना है उसमें नेफा फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ते हुए और निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना आसान है कटिंग करना और इतना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा मार्जिन में। तो देखिए यहाँ से 4 कली निकली है और यहाँ से 2 पार्ट और ये जो चारों कली हैं दोनों साइड से जॉइंट करना है। देखिए 4 कली हैं, एक में 2 जॉइंट होगा फिर एक में 2 जॉइंट होगा। देखिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को स्टिचिंग लगाने में आसानी होगी, इसलिए मैं अच्छे से बिछा करके और रख दिखा देती हूँ आप लोगों को किस तरह से जॉइंट लगाना है। इसी तरह से देखिए दोनों 2 कली को लेना है और दोनों साइड से सलवार में जॉइंट लगाना है। अब देखिए मैं पहले कली को जॉइंट कर रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह से कटिंग करें, सिलाई करें सलवार की। और देखिए इस तरह से कली की जॉइंट लगा लेना है।
इसके बाद देखिए कली को जॉइंट लगाने के बाद फिनिशिंग के लिए ऊपर से भी सिलाई लगा लेना है। अब दूसरे साइड भी कली को जॉइंट करना है। तो देखिए मैं पार्ट को सीधा रखी हूँ, आप कली को मैं उल्टा रखी हूँ। देखिए इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेना है और एक बार फिनिशिंग का भी सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पार्ट में दोनों साइड की कली जॉइंट कर ली हूँ। आप इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी जॉइंट लगा लेना है। दोनों में देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों पार्ट की स्टिचिंग कर ली हूँ। अब देखिए दोनों पार्ट को यहाँ से आसन में जॉइंट लगा लेना है। तो देखिए एक साइड से हमारी आसन की सिलाई हो चुकी है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको प्लेट डालना है। तो देखिए आपको इस तरह से प्लेट डालना है, एक साइड से उल्टा और एक साइड से सीधा करके। देखिए इस तरह से पहले प्लेट डाल लेना है। देखिए इस तरह से एक पार्ट में प्लेट डालना है, पहले प्लेट पूरा डाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से प्लेट डाल रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह से प्लेट लगाएं। देखिए मैं इसी तरह से पूरी में प्लेट लगा लेती हूँ और देखिए एक साइड से इस तरह से उल्टा प्लेट लगाना है तो दूसरे साइड दूसरी तरफ से प्लेट लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं प्लेट लगा ली हूँ दोनों पूरे में। अब ये बेल्ट लेना है, अब बेल्ट की स्टिचिंग करना है। तो देखिए बेल्ट की स्टिचिंग एक साइड से सिलाई लगा करके कर लेना है और फिनिशिंग का भी सिलाई लगा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट है, इस पार्ट को भी स्टिचिंग करना है। तो देखिए ये जो सिलाई है और ये बेल्ट की सिलाई है, दोनों सिलाई एकदम एक साथ मिलना चाहिए, एकदम बराबर से रखते हुए सिलाई लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बराबर से रखते हुए पार्ट और बेल्ट को सिलाई लगा लेती हूँ। एकदम बराबर से सिलाई लगना है, एकदम जॉइंट जो है दोनों का मिलना चाहिए। और बीच से सिलाई लगाना शुरू करना है। बीच से सिलाई लगाएंगे तो बराबर से सिलाई लगेगा और अच्छे से सिलाई लगेगा। अगर बड़ा छोटा कपड़ा होता है तो उसे पार्ट वाला में चुन थोड़ा खोल के बड़ा छोटा हो तो कर ले बराबर से। और देखिए हमारा ये बराबर चुन्नट आया है। इसके बाद फिर से दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली हूँ, मेरा बराबर आया है। अगर आप लोग का बड़ा छोटा हो तो आप बराबर कर लें और इसके ऊपर से भी आप फिनिशिंग का सिलाई लगा लें। और देखिए सिलाई मार्जिन वाला जो कपड़ा है उससे ऊपर के साइड रखना है, ऊपर के साइड रखते हुए फिनिशिंग का सिलाई लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिनिशिंग का भी सिलाई लगा ली हूँ और जो ये बढ़ा हुआ कपड़ा है एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर लेना है। इसके बाद देखिए आसन की सिलाई लगाना है। आसन की सिलाई देखिए यहाँ से छोड़ करके एक इंच कपड़ा देखिए इस तरह से लगाना है, एक इंच में सिलाई लगाना है पहले। इसके बाद फिर नीचे से एक इंच छोड़ लेना है बीच में नेफा के लिए, डोरी यहाँ से डलेगा इसके लिए आपको एक इंच छोड़ लेना है। इसके बाद फिर नीचे से ये पूरा सिलाई लगा लेना है।
ऊपर के साइड एक इंच में छोड़ी हूँ। देखिए पूरा सिलाई लगा लेना है बराबर से। इसके बाद देखिए इस तरह से आपको रखना है और धागा को कट कर लेना है। और देखिए ये दोनों जो सिलाई वाला फैब्रिक है दोनों साइड करना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड करके सिलाई लगाना है और यहाँ से आपको इस तरह से घुमा के सिलाई लगाना है। इस तरह से देखिए सिलाई लगा लेना है। इसके बाद देखिए ऊपर से फोल्ड करना है अंदर के साइड और एक बार आधा इंच फोल्ड करना है, फिर दूसरे बार एक इंच फोल्ड करना है। यह नेफा फोल्डिंग हमें एक इंच की बनाना होता है। और इस तरह से आधा इंच एक बार फोल्ड करके और दूसरा बार एक इंच फोल्ड करके और इस तरह से आपको सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से पूरा सिलाई लगा कर पूरा में सिलाई लगा करके नेफा बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं पूरा नेफा बना ली हूँ। अब हमें मोहरी बनाना है। तो मोहरी बनाने के लिए देखिए पहले पेस्टिंग पेपर लेना है और पेस्टिंग पेपर लेकर के और इस तरह से देखिए लगाना है। और ये जो आधा इंच नीचे के साइड फैब्रिक रखते हुए और फोल्ड करके आधा इंच इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं जिस तरह से सिलाई लगा रही हूँ आप लोग भी उसी तरह से सिलाई लगाएं। देखिए इस तरह से मैं सिलाई लगा ली हूँ। इसके बाद इसे और एक बार फोल्ड करना है और देखिए इस तरह से सिलाई लगाना है। आप जैसा चाहो जितना चौड़ा उतना चौड़ा आप मोहरी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह से सीधा सिलाई लगा लेना है। आप चाहो तो सीधा सीधा तीन चार बार सिलाई लगा सकते हैं या तो आप अपने ही मतलब एक घुमा घुमा करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए मैं तो सीधा सीधा सिलाई लगा रही हूँ पूरा। तो देखिए मेरा मोहरी सिलकर तैयार हो गया। एक मोहरी इसमें मैं पांच बार सिलाई लगाई हूँ और देखिए दोनों साइड से दो दो बार सिलाई लगा करके और इसके बाद देखिए बीच में मैं टेढ़ा टेढ़ा थोड़ा करके सिलाई लगा ली हूँ। इससे लुक इसका अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है मेरा मोहरी बनकर एक तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरी मोहरी भी मैं बना ली हूँ। देखिए सेम तरीके से आप देखिए सेम तरीके से मैं दोनों मोहरी बना ली हूँ। अब फिटिंग का सिलाई लगाना है साइड में। तो इसे आपको क्या करना है कि पहले मोहरी की तरफ से सिलाई लगाना है। तो मोहरी को आपको नाप लेना है, जितना भी आपको मोहरी चाहिए उतना पर निशान लगाना है। देखिए पहले मिला लेना है देखिए इस तरह से और यहीं बीच से आपको सिलाई लगाना शुरू करना है। यहाँ पर भी बीच से सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से सिलाई लगेगा। तो देखिए बीच से यानी आसन के पास से आपको सिलाई लगाना है। तो देखिए मैं आसन के पास से दो इंच का मार्जिन पकड़ते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर डेढ़ इंच भी एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। आप एक्स्ट्रा मार्जिन जितना रखें उतना ही कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगाएं और इसी तरह से सिलाई लगा करके पूरा मोहरी तक सिलाई लगा लेना है। और यहाँ पर आपको मोहरी नाप लेना है आपको कितना है, आप जितना आपको मोहरी चाहिए उतना सिलाई लगाएं और दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पूरा मोहरी तक सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से मोहरी नाप करके सिलाई लगाना है। देखिए मोहरी जितना आपको रखना है उतना ही पर निशान लगा के एकदम बराबर से सिलाई लगा लेना है। देखिए देखिए फ्रेंड्स मैं सिलाई लगा ली हूँ पूरा। मेरा सलवार सिल करके तैयार हो गया है। अब सिर्फ हमें नारा डालना है इसमें।
तनाड़ा भी बना करके आप डाल लें अच्छी तरह से। और देखिए मेरा प्लेट बनकर कितना सुंदर से मेरा सलवार की स्टिचिंग हुई है और कटिंग हुई है। आप लोग भी इसी तरह से सलवार बनाएं और स्टिचिंग करें। अब हमें सिर्फ यहाँ पर नेफा डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ आप लोगों को किस तरह से नेफा को सिलाई करना है। तो देखिए 1.5 इंच चौड़ा एक पट्टी कट करना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ से आपको एक बार फोल्ड करना है, फिर दूसरे साइड से एक बार, आप फिर बीच से एक बार फोल्ड करके डोरी बना लेना है अपने सलवार के लिए। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।